आपने जो सुना होगा कि हर घर नल का जल, ऐसा सुना होगा आप, हो गया है मगर पहुंच गया। अभी आपको पता होगा या नहीं पता होगा कि 30 रुपया महीना देना है, ऐसा करके बोलता है कोई, 30 रुपया महीना दो। अभी सोचो कि कितने घर होंगे, 30 रुपया जो पानी फ्री का है उसको बदले आप पानी यूज करने के बदले सरकार को 30 रुपया देना शुरू कर दी। अभी आपको पता नहीं होगा, मैं बता दूं, आने वाला 2 साल के बाद, 3 साल के अंदर आपको पानी यूज करने के लिए बीच में मीटर लगेगा। जैसे आप बिजली यूज करते हो तो बीच में एक मीटर रहता है, जितना यूज करते हो उतना पैसा देना पड़ता है, आपने देखा है ऐसा बिजली को, उसी तरह से जहां आपका नल होगा, नल के पहले 2-3 फीट पहले एक मीटर लगेगा और वो मीटर पानी कितना आपको सप्लाई कर रहा है वो रीड करेगा, यूनिट उठेगा और यूनिट तय रहेगा। अब सरकार का इसके पीछे कोई मंशा है, एक मंशा है तो कि पीने वाला पानी, स्वच्छ पानी जो है वो धरती के नीचे बहुत खत्म है, ना के बराबर है, और अन्न को जिंदगी नहीं कहा जाता है, जल ही जीवन है ऐसा कहा जाता है। सुना है नहीं सुना है? जल ही जीवन है ऐसा सुना होगा आपने, मतलब जल को बचाना जरूरी है, इसीलिए भी हमारी किसान सख्त कदम उठा रही है। आपको प्यार से बोलेगी कि भाई जल को कम मात्रा में यूज करो, फिर भी आप नल खोल के छोड़ दोगे, लेकिन जब मीटर लग जाएगा ना तो आप 1 लीटर कम यूज करोगे, फ्री में एक बूंद जाने वाला नहीं। गलत बोल रहा हूं? तो यह पानी हम खरीद कर पी रहे हैं, इसमें किसकी गलती है, ये पानी को किसने खराब किया, इसका दोषी कौन है, ये मैं जानना चाहता हूं। हमने खराब किया, आप लोग भी बोल सकते हैं, पूछा जा रहा है बोल सकते हैं, सुन रहे हैं बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, मजा आएगा। हाँ, क्योंकि हम सुनते जाओगे बोलोगे नहीं तो मुझको लगेगा पागल हूँ मैं, बकते जा रहा हूँ। नहीं, ऐसा भी होता है कभी कभी कि भाई बकते जा रहा हूँ, सामने से कुछ बोल रहे हैं, मैं तो गलत नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा भी तो लगता है कभी कभी, तो बोलना है। ऐसा है कि नहीं, जो मैं अभी तक बोलता जा रहा हूँ ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा? तो मेरे किसान भाइयों, हमारे धरती माता की सेवा करने वाले धरती पुत्र, हम आप लोगों को जैविक खेती की ओर, जैविक क्रांति से जोड़ना चाहते हैं। आज आप जो कमाई करते हो, आपकी मानसिकता जो ना समझ वाली है, कमजोर मानसिकता के साथ आप जिंदगी जी रहे हो, जो पैसा कमा रहे हो वो आधा से ज्यादा पैसा हर परिवार से डॉक्टर के पास जा रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है, हाँ कि ना? बोलो नहीं जा रहा तो ना, हाँ जा रहा है तो हाँ, बस जा रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि आप लोग को ये बॉटल देख के दिमाग काम नहीं कर रहा कि भाई ये क्या है? अभी तक तो इतना बड़ा बैग डाल रहे थे, 50 किलो का यूरिया डाल रहे थे, इतना बड़ा 60 kg का DAP डाल रहे थे, NPK डाल रहे थे, ये 1-1 लीटर का बॉटल लेके आ गया है, क्या इसमें है पता नहीं, चल क्या है थोड़ा देखते हैं। चलो कोई बात नहीं, समझ में सब आ जाएगा, आपको एक भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, यहाँ जाने से पहले सारा समाधान हो जाएगा। लेकिन हम पूरा क्लियर करना क्यों चाहते हैं, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि वाकई में जैविक खेती जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। तो आधा से ज्यादा पैसा मान लो डॉक्टर के पास जाता है, आप लोग थोड़ा बताना, एक बदलाव हम चाहते हैं, अगर वो लगे कि कर सकते हैं तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं। हम कहें कि जैविक खेती करो, आपका उत्पादन जितना हो रहा है, जितना हो रहा है औसत, उतना ही होगा या उसमें 10% घट सकता है, उतना ही होगा या फिर 10% 15% घट सकता है, लेकिन अनाज आपका अच्छा हो जाएगा, अनाज आपका टेस्ट वाला हो जाएगा, प्रोटीन विटामिन वाला होने लगेगा, 2-3 फसल करते करते आपके टेस्ट में वो खुशबू, वो प्रोटीन विटामिन मल्टी विटामिन जो पहले हमें भोजन से मिलता था वही चीज आपको फिर से मिलने लगेगा। आप एक बदलाव करो, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, आपके आने वाला पीढ़ी और सुरक्षित है, खतरे में है। आप अपने बेटा से प्यार करते हो क्या? तो हाँ हाँ करते हैं, लेकिन बेटा के लिए कर क्या रहे हो? कुछ नहीं, जहर खिला रहे हो, जहर खा रहे हो, समझ में आ रहा है? जी आ रहा है। मतलब अपने बेटा से बहुत प्यार करते हो, बीवी से बहुत प्यार करते हो, मां से बहुत प्यार करते हो, लेकिन खुद भी जहर खाते हो, और दुर्भाग्य से अपने आने वाला पीढ़ी जो छोटा छोटा बच्चा है आज तक उसको भी खिला के आप बर्बाद कर रहे हो, और उसका गुनहगार सिर्फ और सिर्फ आप हो।
हाँ कि ना, वो भी तो लचारी है, दुर्भाग्य है। देखिए अभी हमें चिंता नहीं कि आज तक आपने क्या किया, मुझे इस बात की चिंता थोड़ी सी भी नहीं। दोस्तों मेरी भावना से जुड़ने की जरूरत है, मेरे दिमाग से जुड़ने की जरूरत नहीं, मेरी भावना से जुड़ू। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या चाहता हूं, आने वाला 10 साल 20 साल 30 साल के बाद क्या होगा आने वाला पीढ़ी के साथ, मैं इसकी कल्पना करना चाहता हूं। समझ में आ रही है? आने वाला 10 साल 20 साल 30 साल के बाद जो हमारा पीढ़ी होगा, हमारा जो पोता होगा, हमारा जो बेटा होगा या छेरपोता होगा, मतलब जो भी जनरेशन होगा, उसका क्या होगा जब मिट्टी पूरी तरह बंजर बन जाएगी, और आने वाला पीढ़ी हमारे साथ कैसा बिहेव करेगा, क्या बोलेगा आने वाला पीढ़ी जब पत्थर देखेगा और उसको पता चलेगा कि इस पत्थर को हमारा बाप बनाया है, तो कैसा महसूस करेगा, कैसा आपको परिणाम देगा, कैसा अपने पूर्वज को किस नज़र से देखेगा, मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं बोलेंगे क्या? बुरा नजर से, बहुत बुरा नजर से देखेगा, उसको लगेगा कि मेरा पूर्वज, मेरा पिताजी कितना नासमझ, कितना बेवकूफ था कि जब मिट्टी 40-50 साल यूज किया तो मिट्टी की अभी उसर हो गया है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति आधा समाप्त हो चुका है। इस बात को आज तक आप लोग महसूस नहीं कर रहे हो क्या? बोलो ना हाँ या ना। कर तो रहे हैं तो कर रहे हैं, फिर बदलाव क्यों नहीं? महसूस करने से ही नहीं होगा। अभी आप जो बता रहे हैं कि अगर मान के चलते हैं कि मेरा उपजा 10% कम हो जाएगा या 20% घट जाएगा, तो अभी हम अगर एक कट्ठा में 2 मन उपजाते हैं तो पर भी मेरा गुजारा नहीं जाता है। अगर मैं एक कट्ठा में 70 किलो उपजाऊंगा या 50 किलो उपजाऊंगा तो मेरा गुजारा जाएगा। अगर मैं कल मैं मरूंगा, जियो मेरा बेटा मरे जिए, आधित मैं नहीं मर जाऊंगा, ये भी एक समस्या। वो आपका कहना सही है, आपका कहना 100% सही है, 1% डाउट नहीं है, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, ये तनिक क्षण के लिए थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना होगा। क्योंकि देखो आप जब डॉक्टर के पास जाते हो और बीवी या बच्चा बीमार है और डॉक्टर कहता है 50,000 जमा करता भी इलाज शुरू होगा, तो आपके पास पैसा नहीं भी होता है तो भी आप आजू से बाजू से इधर उधर से कर करके इकट्ठा करते हो कि नहीं करते हो? करते हो। अभी मैं कहना चाहता हूँ कि खेती बाड़ी आपने जिंदगी भर अभी मतलब कई बार किया, आगे भी ये जारी रहने वाला है क्योंकि ये कभी रुकने वाला नहीं है। इसको हमने आपने सभी ने देखा कि कोरोना काल में भी सब कुछ रुक गया लेकिन राशन, मेडिकल और खेती नहीं रुका, ऐसा हम सब ने देखा ना थोड़ी दिन पहले, मतलब ये रुकने वाला नहीं है, इसी से साबित हो गया। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप 10 बीघा का खेती करते हो, ठीक, आप 1 बीघा से ट्राई करो, 9 बीघा उपजाओ जैसे उपजाना है, क्योंकि जब तक थोड़ा सा बदलाव नहीं करेंगे तब तक नई जिंदगी में नई नई चीज़ की खोज कैसे होगी। हम जब कुछ नया करेंगे तभी तो कुछ नया सीखेंगे, नया समझेंगे, और नहीं सीखेंगे तो वही नकल करते करते मर जाएंगे, और बाद में क्या होगा, जब इसकी चिंता नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं, आपको चिंता नहीं तो मेरे को क्या चिंता। समझ में आ रही है? हम बार बार बोल रहे हैं आपकी चिंता मुझे नहीं है, मेरी भावना को समझो, एक बीच में बोला था मैं, मेरी भावना को समझो कि मेरी और आपकी चिंता नहीं है, मैंने आप तो जी लिए, 2-4 साल में मरियो जाएंगे तो कोई गम नहीं, लेकिन जो बच्चा जन्म लिया जो 2 साल का है वो जिंदगी का शुरुआत भी किया है, उसको जिंदगी जीने का हक है कि नहीं है, बोलो ना सर, तो उसकी चिंता कौन करेगा? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? हमारी जिम्मेदारी नहीं है? नीतीश कुमार ही पूरा देश को भी जैविक करेगा, खेती करेगा, हम नहीं करेंगे जी। हमारी भी जिम्मेदारी है, हम 10 बीघा करते 1 बीघा ट्राई करेंगे, अच्छा होगा तो बार बार, नहीं तो एक बार, बदलाव करेंगे तभी तो कुछ पता चलेगा। तो आइए, हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है, एक एक प्रोडक्ट की खूबसूरती मैं आपको बारी बारी से बताने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, डाउट हो तो बोलकर समझने की ज़रूरत है। कुछ प्रोडक्ट हमारे पास है, कुछ प्रोडक्ट नहीं है, हम हर एक प्रोडक्ट की चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है, मैं इस सभी प्रोडक्ट की बात बता दूं कि हर प्रोडक्ट बैक्टीरिया बेस है। क्या है? बैक्टीरिया। आपको दिखने में छोटा लग रहा होगा लेकिन इसका प्रभाव इतना लंबा चौड़ा, इतना ज़बरदस्त है कि एक बार इस्तेमाल करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि वाकई में दमदार प्रोडक्ट है। इसी चीज़ की तलाश थी, आज लेट से क्यों मिला, ये पहले मिलनी चाहिए थी। जब आपको पता कब चलेगा, जब आप इस्तेमाल करेंगे तो। ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया बेस। अब बैक्टीरिया क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग को समझना जरूरी है।
बैक्टीरिया, हम आप सभी व्यक्ति, सभी मनुष्य, सभी जीव जंतु जो हैं वो बैक्टीरिया की वजह से जिंदा है। हमारे अंदर गुड बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से हम जीवित रहते हैं। आप ये भी जानते होंगे कि हमारे मिट्टी में मित्र जीवाणु होता है। मित्र जीवाणु हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मित्र जीवाणु होता है। और मिट्टी की जब तक भौतिक स्थिति, रासायनिक स्थिति, जैविक स्थिति जब तीनों संतुलित नहीं होगा तब तक आप अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते हो। आप कितना भी खाद डाल दो उत्पादन बढ़ने वाला नहीं है, इस चीज़ को मैं गारंटी दे रहा हूँ। जितना उत्पाद मतलब केमिकल डालोगे उतना उत्पादन कम होगा। आप डालो ना, एक साल, दो साल, दस साल और कर लो, मन भर जाएगा तब छोड़ना, तब बदलना। मतलब आप जो कह रहे कि 2 क्विंटल उपजाते हैं, 1.5 क्विंटल कैसे उपजा, अभी थोड़ा दिन एडजस्ट करने का है। थोड़ा दिन जब एडजस्ट कर लेंगे तो आगे खुशहाली आना शुरू हो जाएगा। आगे क्या होगा कि उत्पादन बढ़ने लगेगा और खर्चा कमने लगेगा और अनाज में भी दम होने लगेगा, उसका रेट भी अच्छा मिलने लगेगा, ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए अभी अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। समझ में आ रही है? तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है ये बैक्टीरिया बेस्ड प्रोडक्ट है। अभी से 10 साल पहले आप थोड़ा जाओ, पीछे चले जाओ, दिमाग को ले जाओ पीछे और देखना कि हम लोग केचुआ बोलते हैं उसको, अंग्रेजी में अर्थवर्म बोलते हैं, काला काला पतला पतला, चाली, चाली बोलते हैं आप लोग इधर, हैं चाली होता था। मिट्टी के लिए सबसे प्रमुख, सबसे मेन मित्र जीवाणु जो था, बड़ा बड़ा वाला चाली बोलते, वो मिट्टी के 1 फीट नीचे 2 फीट नीचे जाता आता जाता आता, रात दिन एक ही काम उसका था, आना जाना। हाँ कि ना? मिट्टी में 10-10 बिल्डिंग बना देता था, इतना ही बिल्डिंग, 10 गो 8 बिल्डिंग, 10 बिल्डिंग, 15 बिल्डिंग, खेत में हजारों जगह ऐसा बिल्डिंग दिखता था छोटा छोटा। देखा है आपने? देखा है? वो क्या होता था? कम होता है, आपके क्षेत्र में होता है, कोसी का बेल्ट है इसीलिए होता है, कोसी का बेल्ट है। देखो मैं समझ रहा हूँ, अभी आप अच्छा बोल रहे हो, लेकिन मैं दूसरे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ कि जहाँ ढूंढने से भी एक मिलता नहीं है। आपके क्षेत्र में मिलता है, हम समझ रहे हैं, क्योंकि मैं अपना परिचय नहीं दिया, मैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार से ही हूँ। हाँ, पुणे में मैं काम करता हूँ, पुणे का कंपनी है, पुणे की कंपनी, ये 30 साल पुरानी कंपनी है, अजय बायोटेक के नाम से आपने सुना होगा, जो जैविक खेती किया करते होंगे। अजय बायोटेक 1990 से चल रही है, 2000 ईस्वी में इस कंपनी ने अपने आप को अपग्रेड किया, अपग्रेड करके नए टेक्नोलॉजी पे, बायोलॉजिकल नैनो टेक्नोलॉजी पे प्रोडक्ट बनाया, और वो जो केचुआ आप लोगों के खेतों में ख़त्म हो गया है ना, वो लाने का ये काम करेगा। जो वो बैक्टीरिया ख़त्म हो गया है, मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति ख़त्म हो गई है, वो रिकवर करेगा, वापस लाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया में ही इतनी ताकत है कि आपके खेतों में वो जान ला सकता है जो जान चली गई है। तो हम कहने का मतलब कि हम कोसी बेल्ट के हैं तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य है। दुर्भाग्य तो बाढ़ आता है तब होता है, अभी की बात करें तो अभी तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि अभी चकाचक है मौसम भी और फसल भी ठीक ठाक चल रहा है। तो दुख सुख तो हर जगह लगा हुआ है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि मिट्टी को बचाने के लिए हम जैविक अभियान, किसानों का वरदान, जैविक क्रांति से आप लोगों को जोड़ना चाहते हैं। ये प्रोडक्ट क्या है, इससे पहले मैं एक उदाहरण दूं। एक बात बताइए आप लोग कि 100 ग्राम दही जिसको हम खाते हैं, दही 100 ग्राम दही को 500 लीटर दूध में अगर डाल दिया जाए, लैक्टोबेसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है दही में, हम लोगों ने पढ़ा है, याद होगा, लैक्टोबेसिलस बैक्टीरिया दही में पाया जाता है। उस 100 ग्राम दही को अगर हम 500 लीटर दूध में या 100 लीटर दूध में डाल दें तो रात भर के बाद सुबह में क्या होगा? दही बन जाएगा, पक्का, पक्का बन जाएगा। देखो अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, इसको समझना है इस उदाहरण के माध्यम से। 100 ग्राम दही को हमने 500 लीटर दूध में डाला तो 500 का 500 लीटर दूध दही का रूप ले लिया सुबह में, सही है? तो जब 100 ग्राम दही 500 लीटर दूध को पूरा दही बना सकता है तो ये 1 लीटर का बैक्टीरिया है। इसमें मल्टी टाइप के बैक्टीरिया है जो हमारे पूर्वज गोबर के माध्यम से डालते थे, और गोबर में एक प्रकार, दो प्रकार का मित्र जीवाणु नहीं होता था, कई प्रकार का मित्र जीवाणु होता था, और वो मित्र जीवाणु क्या करता था कि मिट्टी को उर्वरा भुरभुरा बनाए रखने में बरकरार मेंटेन रखता था। मिट्टी का पीएच मान जो 7 होता है संतुलित स्वस्थ मिट्टी का, वो पीएच मान जो है ना वो असंतुलित हो चुका है, समझ रहे हैं सर?
उसको हम रिकवर यहाँ से कर सकते हैं। ये मिट्टी का बैक्टीरिया है, मित्र जीवाणु, इसमें 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, कई प्रकार के मतलब अनेक करोड़ बैक्टीरिया हैं। इसमें वो बैक्टीरिया है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बैक्टीरिया है जो आपके नग्न आँखों से दिखने वाला नहीं है, आपको पानी दिखेगा, लेकिन जब उसको माइक्रोस्कोप लगाएंगे और तब देखेंगे तब उसमें आपको बैक्टीरिया दिखेगा। समझ रहा है? मतलब इसमें हम क्या करेंगे कि इसको 3 बीघे में डालने का है, 1 लीटर आता है, 1 लीटर में 3 बीघा जाएगा। 3 बीघा में अगर दाम की बात करें तो 1200 रुपये इसका दाम है। सिंचाई के दौरान जाता है, पानी के साथ जब मिट्टी के संपर्क में आता है तो ये मल्टीप्लाई ग्रोथ करता है, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 मल्टीप्लाई ग्रोथ करता है। और आप जब 3 सीजन में इसको कर लेंगे तो वो खेतों में छोटा छोटा मित्र जीवाणु आपको दिखने लगेगा। जो अभी आप कहते हैं कि 40 दिख रही है तो उस तरह और हो जाएगा। और उसके अलावे आपको 1 बूंद यूरिया देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तब मैं आपको बता दूं, यूरिया का हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो दिमाग में एक चीज़ आता है कि पौधा जब पीला पड़ने लगे या फिर जान नहीं है तो यूरिया डाल दो, हरा भरा हो जाता है, ऐसा करके हम लोग सोचते हैं। हाँ, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा आपके मिट्टी को नुकसान पहुंचाने वाला खाद का नाम है यूरिया। ये आज आप दिमाग में सेट करो। एक इसके विपरीत मैं बता दूं, हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है कि पर्यावरण में 78% नाइट्रोजन है, हाँ कि ना? हमने पढ़ा है ऐसा क्या किताबों में कि इस पर्यावरण में 78% नाइट्रोजन है। हमारे पूर्वज गोबर के माध्यम से कई प्रकार का मित्र जीवाणु खेतों में डालते थे तो वो बैक्टीरिया क्या करता था, ये 78% नाइट्रोजन को खींच करके पौधे के जड़ को प्रदान करता था, मतलब एक मशीन का काम करता था। समझ में आ रहा है? अभी किसान क्या करता है, यूरिया डालता है रेडीमेड, N46% बोरी पे क्या लिखा रहता है, N46% करके लिखा रहता है। मतलब अभी मैं पूछना चाहूँगा आप लोगों से, N46 मतलब क्या हुआ? अच्छा, मतलब वो बैग जो लाते हो बोरी 50 kg का होता है, उसमें 46% नाइट्रोजन है, बराबर। अभी 46% का मतलब हो गया 23 kg, 46% हम 50 kg का निकालेंगे तो कितना आएगा, 23 kg। मैं पूछना चाहूँगा कि 23 kg हमें मिल गया नाइट्रोजन, उसमें 27 kg फिर क्या है, वो बोरी पर क्यों नहीं लिखा है, क्या है वो? केमिकल नहीं है साहब, पत्थर है, पत्थर है। हम यहाँ पे वो भी सबूत पेश कर देते हैं, आप लोग से ही पूछते हैं, आप लोगों ने ऐसा ज़िंदगी में कभी देखा कि यूरिया के बैग को यहाँ पे रख दिए, 2-4-10 दिन पड़ा रह गया, नमी आ गई, धरती का नमी खींचा और वो उसमें से पानी रिस रिस कर पानी के तरह जो है वो बह गया पूरा, और पूरा बह गया। और हम 10 दिन बिजी थे, इधर उधर से आए, फिर उसको खेतों में इस्तेमाल करने की बात किया तो ऊपर वाला बोरी का तो इस्तेमाल किया, ऊपर वाला बोरी का तो इस्तेमाल हो गया, लेकिन नीचे वाला जब बोरी उठाया तो वो हिल ही डोल नहीं रहा था, तो उसको उठ को पटका तो भाई पत्थर तो नहीं बन गया, फिर बोरा को खोला, फिर निकाला, फिर तोड़ने का पूरा कोशिश किया, साला टूट ही नहीं रहा है। ऐसा कभी महसूस किया?